This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBIBO and Redbus. You know, जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो उसमें कंटेंट बड़े ही पक्के किस्म का होना चाहिए तो ही एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट कहलाएगा. टुडे इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ गुड कंटेंट एंड बैड कंटेंट. बहुत सारा है. बैड ऑल्सो समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी एंटरटेनिंग. हैव यू रियलाइज दैट? लाइक दे से समटाइम्स नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट प्रिवेल्स इज ओनली गुड कंटेंट. कंटेंट दैट हैज लेफ्ट अ मार्क एंड इवन अ मैसेज एंड ऑल्सो हेल्प्ड पीपल चेंज देयर माइंडसेट्स. ऐसे कुछ फिल्मों के बारे में आज बात करूंगी क्योंकि आज है फिल्मी फ्राइडे और हमने इतिहास बनाया है एट द कैन फिल्म फेस्टिवल. आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट दिस. आई एम गोइंग टू हैव अ होल लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू डू टू. दिस इज गो MMT रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट एनी. शुरू करते हैं सबसे पहले गाने के साथ. शो का नाम है फिल्मी फ्राइडे. मजा तो बहुत आएगा. ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर. ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी तो आए हो बाहर बन छाए हो. हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा महक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, थोड़ी देर तो लूं नशे के घूट पी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दर अभी भरा नहीं. चार्ट आपका फेवरेट पेट टॉमी, बारिश के दिन अरिजीत सिंह एंड रॉन कॉम्स, लव आजकल इज ऑल दिस एंड अ लॉट मोर. रोमांस से लेकर रसमलाई तक हम इन सब के बारे में बात करते हैं. तो अगर आप भी प्यार की बातें करना चाहते हैं देन राइट इन टू हेडसेट गो एट go-mmt.com विद द वर्ड्स लव आजकल एंड स्टैंड अ चांस टू टॉक टू गेस हू RJ एनी अबाउट व्हाट लव मींस टू यू ओनली ऑन Go MMT Radio. अरे अपने KRA ऐसे कंप्लीट करो कि चार लोग बोले नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. Go MMT Radio. आपको शायद याद है कि पिछले हफ्ते मैंने कैन फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात की थी. दुनिया के सबसे उम्दा फिल्म फेस्टिवल्स में से है ये. इट इज़ इन इट्स 77th ईयर और चंद फिल्में यहाँ से गई थी वहाँ पर रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा. वन ऑफ द फिल्म्स दैट रिसीव्ड एन 8-मिनट ओवेशन इज पायल कपाड़ियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट. और इस फिल्म को अवार्ड भी मिला द ग्रॉ प्री. इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट अवार्ड एट द कैन फिल्म फेस्टिवल और इसी के साथ हमने रचाया है इतिहास. In fact, director Payal Kapadia also went on to say, I hope this is not going to be the last of the films or it is going to take us 30 more years to represent good Indian cinema at any international film festival. She was extremely happy. Her entire team was extremely happy. The crew. The film actually is the story of two Kerala nurses living in the city of Mumbai. And it became the first Indian film in 30 years to compete in the main competition at the Cannes Film Festival. Pata hai, jury mein, one of the directors was Barbie film director Greta Gerwig.
बाकी भी बड़े बड़े नामचीन लोग थे, लिली ग्लैडस्टोन, एवा ग्रीन, ओमा साय, एब्रू सिलान एंड मेनी अदर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये तो बहुत 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 बड़ी बात है हमारे लिए एंड आई थिंक इट इज़ ओनली टाइम फॉर अस टू सेलिब्रेट. बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू बी प्राउड ऑफ डायरेक्टर्स लाइक पायल कपाड़िया फॉर कमिंग अप विद सच ग्रेट कॉन्टेंट, putting us on the international pedestal and giving India this kind of recognition, global top class recognition. अगर जामनगर के celebrations super fantastic थे तो आप imagine कर सकते हैं कि pre-wedding bash और कितना बड़ा होगा और फिर आखिर में of course the wedding itself. I'm talking about Anant Ambani and Radhika Merchant. They're all set to tie the knot on the 12th of July और बस सब जगह यही बातें हो रही हैं. I mean पूरी दुनिया ने देखा है 3 दिन का ग्रैंड प्री वेडिंग बैश जो कि जामनगर में हुआ था. अब यहाँ पर भी फिर एक बार एक प्री वेडिंग क्रूज ट्रिप होने वाला है. कैन यू बीट दैट? एंड इट सीम्स दैट द सेलिब्रिटीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू इटली, क्योंकि ये होने वाला है एक क्रूज ट्रिप फॉर 3 डेज एंड दैट इज फ्रॉम इटली टू द साउथ ऑफ फ्रांस. Wow, that is something. Ranveer Singh, Mahendra Singh Dhoni, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, the bride herself, the entire family, ye sare wahan par already pahunch chuke hain. Pichli baar to pre-wedding bash mein Rihanna, Diljit Dosanjh, Arijit Singh, Akon, Shreya Ghoshal, saron ne perform kiya tha, to is cruise par ab kitne performances hone wale hain? काफी सारी डिटेल्स निकलने वाली हैं एंड आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स राइट हियर ऑन द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर, द अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट वेडिंग, ओनली ऑन फिल्मी फ्राइडे. इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फिल्म, राइट? ऑल ऑफ दिस एंटरटेनमेंट. IPL ये सबके दिमाग पर चल रहा था और ये सब देख भी रहे थे बिकॉज क्रिकेट फैंस हम तो इतने बड़े क्रिकेट फैंस हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट तो सबसे ग्लैमरस और सबसे पॉपुलर इज ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द रिचेस्ट बाय द वे IPL द प्रीमियर लीग. अब जीता कौन? आई थिंक फॉर शाहरुख खान इनके तारे तो फिर एक बार चमक चुके हैं. ब्लॉक बस्टर फिल्म बैक टू बैक, वेदर इट इज पठान और जवान एंड नाउ It is his team, KKR, that went on to win this year's IPL. पूरे 10 साल के बाद. अब इसी के दौरान एक हेल्थ स्केयर भी हुआ था शाहरुख खान के लिए. He was hospitalized for a heat stroke. He did get well and he also brought home a win. This is a win that they have clinched against Sunrisers Hyderabad and the internet has been flooded with heartwarming moments from the celebrations. So much so ki shayad aapne notice kiya hoga ki Suhana Khan seems to be very good friends with Shreyas Iyer. Okay, I'm not going to get deeper into that piece of gossip. Uske baare mein khabrein to aati rahengi aur main aapko batati rahungi kyunki everything gossipy, everything glamorous, everything filmy only on Filmy Friday right here on Go MMT Radio. फिल्मी फ्राइडे है तो फिल्मों के बारे में तो बातें करनी ही होंगी. द रिलीज इज दैट यू मस्ट गो आफ्टर. वैसे हॉलीवुड में ज्यादा हो नहीं रहा है बट आई थिंक यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट वीक. वेल उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी बट फर्स्ट बॉलीवुड. मिस्टर एंड मिसिज माही. द स्टोरी गोज लाइक दिस. नहीं कोई बायोग्राफी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी पर बिल्कुल भी बेस नहीं है, लेकिन नाम तो उनका जरूर लिया गया है. महेंद्र इज द नेम ऑफ द लीड कैरेक्टर दैट इज प्लेड बाय राजकुमार राव एंड हिज वाइफ इज महिमा दैट इज प्लेड बाय जानवी कपूर. अब जानवी कपूर इज एक्चुअली अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड महेंद्र इज अ फेल्ड क्रिकेटर. शादी के बाद कॉमन लव फॉर क्रिकेट दोनों में जो होती है दैट काइंड ऑफ बाइंड्स देम टुगेदर. और उसके बाद राजकुमार को पता चलता है कि जानवी तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है एंड ही स्टार्ट्स कोचिंग हर. इट्स काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक प्लॉट और मैं जरूर देखना चाहूंगी इफ दिस फिल्म बिकम्स अ बिग सक्सेस एंड इफ यू आर बिग फैंस ऑफ राजकुमार राव एंड जानवी कपूर विच आई एम बिग फैन ऑफ राजकुमार राव देन मे बी इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गो वॉच दिस फिल्म. ऑल्सो बाकी कैरेक्टर एक्टर्स में सॉलिड कास्टिंग है. कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, जरीना वहाब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मूवी. The other film that's releasing today is the remake of an American film, an action thriller. The Next 3 Days इसका नाम है. 2010 में 2010 में रिलीज हुआ था और इस साल यानी कि आज रिलीज हो रहा है इसका रीमेक इन हिंदी. डायरेक्टेड बाय अभिनय देओ. लीड रोल्स में है हर्षवर्धन राणे और दिव्या खोसला कुमार अलॉन्ग विद अनिल कपूर. अब ये स्टोरी ऐसा है, सावी इज द नेम ऑफ द हाउस वाइफ हुज प्लेइंग द लीड रोल एंड दैट्स बाय दिव्या खोसला कुमार एंड नाउ शी हैज टू अटेम्प्ट अ जेल ब्रेक. जेल तोड़कर जाना है, इंडिया में कहीं नहीं,
बल्कि इंग्लैंड के हाई सिक्योरिटी जेल में से उसे अपने हस्बैंड को बचाना है. सावी को, द नेम ऑफ द फिल्म इज सावी बाय द वे, शी has to now fight against 75 armed guards and 60 surveillance cameras. How is she even going to manage it? Plot तो interesting है, American film तो hit हो गई थी. क्या Bollywood यानी कि हिंदी सिनेमा में ये film hit होगा? Going by the name of the director, who is a well-reputed one, Abhinay Deo, this one could be a sleeper hit, है ना? अब Furiosa release हुआ था पिछले हफ्ते and Garfield. So when it comes to हॉलीवुड, ज्यादा फिल्में, इनफैक्ट कोई भी फिल्में आज रिलीज नहीं हो रही है, पर अगले हफ्ते काफी सारी फिल्में 7 जून को रिलीज हो रही हैं. सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स आर कमिंग बैक, नए सीक्वल्स बन रहे हैं उनके. जी हाँ, वन ऑफ देम इज बैड बॉयज. वेल, इसके बारे में तो अगले हफ्ते बात करूंगी, बट आई होप यू हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन गारफील्ड एंड फ्यूरियोसा, जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हो चुका है एंड हैव गॉन ऑन टू बिकम बिग हिट्स. एक और हिंदी फिल्म है जो आज रिलीज हो रही है. नाउ दिस इज एन इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम द पॉपुलर, इनफैक्ट द मोस्ट पॉपुलर सीरीज कमिंग फ्रॉम इंडिया, एनिमेशन सीरीज कमिंग फ्रॉम इंडिया, छोटा भीम. छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान. यज्ञ भसीन इज प्लेइंग भीम एंड द अदर इंपॉर्टेंट रोल्स आर प्लेड बाय अनुपम खेर एंड मकरंद देशपांडे. इंटरेस्टिंग हाँ. तो अगर बच्चों के लिए कोई प्लान्स और ना हो और एक अच्छी फिल्म दिखानी हो, देन आई थिंक छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल. इसी के साथ फिल्मी फ्राइडे शो खत्म होता है यहीं पर. आई एम गोइंग टू लीव यू विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. यू हैव अ सुपर डुपर वीकेंड. फिर मिलेंगे मंडे को बधाई हो लेकर, ओनली ऑन गो MMT रेडियो. आई एम योर होस्ट एनी. चाओ. टू लिसन टू योर फेवरेट गो MMT रेडियो फ्रॉम एनीवेयर, फॉलो अस ऑन YouTube, LinkedIn एंड Instagram. विजिट द गो MMT रेडियो पेज फॉर डेली अपडेट्स एंड एंजॉय लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो चैनल.